देखिए, माफिया किसी भी क्षेत्र के होंगे, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो ऐसे नकल माफिया हैं और जो इस प्रकार के गैंग का संचालन करते हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सर, शाहजहांपुर में एक पुल निर्माण है, क्या पूरा मामला है? देखिए, शाहजहांपुर में जो पुल की बात आप कर रहे हैं, वह तो सपा बसपा की सरकारों के समय बनाया गया और उद्घाटन हुआ। उस समय के निर्माण के उसमें कुछ कमियां संज्ञान में आई हैं, उच्च स्तर से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, खासकर में आपको कहां पाया? 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। कई पार्टियां हैं जो सपा, कई नेता हैं एकजुट हो रहे हैं और नहीं, सारे लोग एकजुट हो जाएं। हम लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा बकाया न रखे, कोई इधर उधर हो तो वह भी जाके शामिल हो जाए। क्योंकि यह फैसला हो ही जाना चाहिए एक बार कि देश की, प्रदेश की जनता भाजपा और मोदी जी को ही प्यार करती है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें, कोई गलत फहमी नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भाजपा को प्राप्त होगा। यहाँ पर पीएम का कार्यक्रम प्रयागराज में संभावित है, कब है और क्या क्या पूरा कार्यक्रम? अभी कोई कार्यक्रम ऐसा संभावित नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं। अच्छा, ये जो परीक्षा अभी हुई है हाल में, TET की परीक्षा, उसमें नकल माफिया सक्रिय रहे, पूरी परीक्षा को रद्द कर देना।